कार। मेरा नाम है संजीव और देश में 2024 के चुनाव की लड़ाई को लेकर के एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने 36 दलों के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने का मन बना चुकी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अपने घटक दलों के साथ, या यूं कहें देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटी है, ताकि 2024 में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सके। लिहाजा राजनीतिक पंडित ये भी बताते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता कहीं ना कहीं यूपी की गलियों से होके गुजरता है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये आखिरकार इतिहास भी रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा जो कि दिल्ली की सरकार को 80 लोकसभा सीटें देता है, और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में यूं कमज़ोर पड़ जाना कहीं ना कहीं 2024 को लेकर कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर यदि गहन चर्चा हम करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव व नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश में पीडी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को सीधा चुनौती दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक बड़ी दस्तक दी जा सके। अब पीडीए हम आपको बताते हैं आखिरकार पीडीए शब्द कहां से आया और पीडीए है क्या। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक, इन तीनों को मिलाकर होता है पीडीए, और उसके लगातार अखिलेश यादव ने उदाहरण भी दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, बीते कुछ माह पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत और वहीं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साथ आए थे, और तीनों ने पूरी दमदारी के साथ खतौली विधानसभा लड़ा ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से चुनाव जीता था। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पारा हाई है, वो निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में इस बार पीडीएस स्ट्रैटेजी के साथ 80 लोकसभा सीटों पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी जाए। तो वहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही सीटें हैं, और लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो लोकसभा सीट सिर्फ रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास है। अमेठी जो पूर्व में 2014 में हालांकि 2 सीटें थे, जिसमें एक सीट पर सोनिया गांधी और एक सीट पर राहुल गांधी ने चुनाव जीता था, और 2019 आते आते कांग्रेस के पास एक ही सीट बची थी जो कि रायबरेली है, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। और 2024 में आखिरकार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहारे उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाती है, या यूं कहें कि 80 लोकसभा सीटों पर क्या अपना प्रभाव डालती है, ये कहीं ना कहीं अभी भविष्य के गर्भ में है। लिहाजा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जुगत में है तमाम सहयोगी दलों के सहारे, कि क्यों ना इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर या फिर यूपी की 80 लोकसभा क्षेत्रों पर उन्हें भगवामय किया जाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ लिया, जो कि सुहेलदेव राज भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हालांकि पहले से ऑलरेडी अनुप्रिया पटेल व फिर संजय निषाद तमाम छोटे दल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल है। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा पाएगी या नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में एक बड़ी भूमिका या फिर बड़ी तादाद में देश की सबसे बड़ी पंचायत पर काबिज होगा।